हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स। जो हमने प्योर एलओआर, सॉर्टेड एलओआर, सीएसएमए, सीडी, सीएसएमए, सीए पढ़े, ये सभी क्या थे जिनमें कोलिजन ऑकर होता था। इन सभी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने के बाद भी जो है कोलिजन ऑकर होता ही था, चाहे आप सीएसएमए, सीए भी यूज़ कर लें, उसके बाद भी कोलिजन ऑकर होता ही था नेटवर्क में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेटवर्क के लिए हम ऐसा ऐसे प्रोटोकॉल यूज़ करें जिसमें कोलिजन हो ही ना, तो उस केस में हमें कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना पड़ता है। और ये कब यूज़ किए जाते हैं? जब नेटवर्क लोड हाई होता है, क्योंकि अगर नेटवर्क में ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस केस में अगर कोलिजन होते रहेंगे तो कभी डेटा ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगा, तो उस केस में कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो दीज प्रोटोकॉल्स आर गुड व्हेन नेटवर्क लोड इज हाई। ठीक है, अगर नेटवर्क लोड लो है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, डेटा ट्रांसमिशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम प्रीवियस जो वीडियोस में प्योर एलोहा, सॉर्टेड एलोहा, सीएसएमए, सीडी, सीएसएमए, सीए के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। लोड के लिए हम कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स विदाउट एनी कोलिजन इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट इज बिटमैप प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज बाइनरी काउंटडाउन प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं बिटमैप प्रोटोकॉल। तो बिटमैप में क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे नेटवर्क में एन स्टेशंस हैं और जिनका नंबर क्या है, 1 से n है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंटेंशन पीरियड का एक बिट मैप बनाते हैं जिसमें n स्लॉट्स होंगी, यानी जितनी नंबर ऑफ स्टेशंस हैं उतने ही नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे और हर स्लॉट में सिर्फ सिंगल बिट को स्टोर किया जा सकता है। तो अगर n स्लॉट्स हैं तो उसमें स्टोर कितनी होंगी, n बिट्स होंगी। तो डेटा ट्रांसमिशन करने से पहले एक कंटेंशन पीरियड होता है जिसमें हर स्टेशन को अपनी 1 बिट को रिजर्व करना होता है इस बिट मैप में, ये इंडिकेट करने के लिए कि उसे डेटा ट्रांसमिशन करना है। तो सपोज़ करो स्टेशन 1, 3 और 6 को डेटा ट्रांसमिशन करना था। एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन के पहले कंटेंशन पीरियड होता है जिसमें हर स्टेशन को अपने स्लॉट में 1 को प्लेस करना होगा अगर उसे डेटा ट्रांसमिशन करना है। तो ये जो 1 स्लॉट है इसमें सिर्फ स्टेशन 1 ही 1 बिट प्लेस कर सकती है, ये बताने के लिए कि उसे डेटा ट्रांसमिट करना है। सेकंड स्लॉट में सिर्फ सेकंड स्टेशन बता सकती है। ठीक है, तो nth स्लॉट में सिर्फ n वाली स्टेशन बता सकती है, 1 बिट को प्लेस कर सकती है, ये इंडिकेट करने के लिए कि उसे डेटा ट्रांसमिट करना है। तो सबसे पहला चांस किसको मिलता है, स्टेशन 1 को। स्टेशन 1 के पास अगर डेटा फ्रेम है ट्रांसमिट करने के लिए तो उसे इस बिट मैप में 1 को स्टोर करना होगा। फिर चांस मिलता है सेकंड स्टेशन को। सब यहाँ पर देखो, सेकंड स्टेशन को हमारे केस इस एग्जांपल में सेकंड को डेटा फ्रेम नहीं ट्रांसमिट करना है तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं स्टोर करेगी। फिर चांस मिलेगा थर्ड को, तो थर्ड को डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो उसमें क्या प्लेस कर देगी, 1 बिट को। और 6 क्या कर देगा, 1 बिट को सेट कर देगा। तो इस टाइप से कंटेंशन पीरियड में 1 1 बिट जो है वो स्टोर हो जाएगी उस स्टेशन के करस्पॉन्डिंग जिसको फ्रेम ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पर कंटेंशन पीरियड में सभी स्टेशंस को पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेशन जो है पहले डेटा ट्रांसमिट करेगी। जैसे क्योंकि यहाँ पर स्टेशन 1 ने 1 बिट को सेट किया, तो इसका मतलब है पहले 1 स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करेगी, फिर 3, फिर 6। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कभी भी कोलिजन नहीं आएगा। तो जब एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन होगा तो इसी वन बिट के बेसिस पे होगा, यानी जिसने पहले 1 बिट सेट की हुई है, जिस स्टेशन की पहले 1 बिट सेट है पहले वही डेटा को ट्रांसमिट करेगी, जिसकी वजह से कोलिजन्स नहीं आएंगे। तो थ्योरी देख लेते हैं आपको कैसे लिखना होगा। अज्यूम देयर आर एन स्टेशंस इन ए नेटवर्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। देयर इज़ ए कंटेंशन पीरियड ऑफ n स्लॉट्स विच कंटेन्स n बिट्स। स्टेशन 1 हैज़ ए फ्रेम टू सेंड, इट ट्रांसमिट ए 1 ड्यूरिंग द स्लॉट 1। No other station allowed to transmit the frames during this slot. सबसे पहला चांस किसको मिलेगा, स्टेशन 1 को इस स्लॉट में 1 बिट को स्टोर करने के लिए। तो अगर स्टेशन 1 को फ्रेम ट्रांसमिट करना होगा तो वो 1 को इस स्लॉट 1 में ट्रांसमिट कर देगी। इसका मतलब है कि दूसरी कोई भी स्टेशन जो है फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं कर सकती है स्लॉट 1 में। नेक्स्ट स्टेशन 2 विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट 1 बिट ड्यूरिंग स्लॉट 2, बट ओनली इफ देयर हैज़ ए फ्रेम इन क्यू। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट चांस किसको मिलेगी, स्टेशन 2 को 1 बिट को ट्रांसमिट करने के लिए बिट मैप में
या कंटेंशन स्लॉट में करने के लिए ड्यूरिंग स्लॉट टू में कि क्यू में अगर कोई फ्रेम है ट्रांसमिट करने के लिए, तभी वो वन बिट को स्लॉट टू में ट्रांसमिट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सो एनी स्टेशन के मे ट्रांसमिट वन इन दी केथ स्लॉट ओनली, तो कोई भी के स्टेशन जो है वो वन बिट को सिर्फ अपने केथ स्लॉट में ही ट्रांसमिट कर सकती है, किसी दूसरे स्लॉट में नहीं कर सकती है। एवरी स्टेशन सीज ऑल दी वन बिट रिजर्वेशन ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दी कंटेंशन पीरियड, सो ईच स्टेशन नोज विच स्टेशन वेंट टू ट्रांसमिट। तो जब भी कंटेंशन पीरियड होता है, जब वन बिट सेट की जाती है, तो हर स्टेशन को ये पता होता है कि किसने वन बिट को ट्रांसमिट किया है। तो आफ्टर द कंटेंशन पीरियड ईच स्टेशन दैट असॉर्टेड इट्स डिजायर टू ट्रांसमिट सेंड इट्स फ्रेम इन द ऑर्डर ऑफ स्टेशन नंबर। तो कंटेंशन पीरियड में जिस जिस स्टेशन ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था ट्रांसमिशन के लिए, वो स्टेशन नंबर के अकॉर्डिंग अपना डेटा ट्रांसमिशन करें। देयर विल नेवर बी एनी कोलिजन बिकॉज एवरी वन एग्रीज ऑन हु गोस नेक्स्ट। तो यहाँ पर कभी भी कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेशन जो है इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्री करती है कि वो इसी ऑर्डर में फ्रेम को ट्रांसमिट करेंगी। बट ड्रॉबैक क्या है, देयर इज ओवरहेड ऑफ वन बिट पर फ्रेम पर स्टेशन। लेकिन यहाँ पर हर स्टेशन को एक एक्स्ट्रा बिट में ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो ये एक ओवरहेड है, एक्स्ट्रा वर्क है जो हर स्टेशन को करना पड़ेगा।